आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और आज का वीडियो होगा एसएससी सीएचएसएल को लेकर जिनका एग्जाम नहीं हुआ है। पहले क्लियर कर दूं, डेट आ चुका है, आप सभी को पता है 17 अगस्त से। एक बात और, जिनका एग्जाम हो चुका है उनका एग्जाम नहीं होगा, जिनका एग्जाम रह गया था उनका एग्जाम होगा। तो उनको अब क्या पढ़ना चाहिए कि अच्छा स्कोर हो पाए, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं रिसेंट का, सब कुछ मैं बताऊंगा A to Z। आपको काम किसके ऊपर करना है। आप सभी को बता दूं कि आप सभी का जो क्लास इतने दिन से नहीं आ रहा था, अब कब से आएगा, कब से स्टार्ट होगा, और सबसे बेहतरीन वीडियो, मैं बोल सकते हैं बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ आपके लिए एक क्लास, एक नोट्स रेडी किया हूं, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये जो क्लास होगा ना, वो मान कर चलो 50 डे का आपका क्लास होगा। कितने दिन का? 50 दिन का, ठीक है। एक एक चीज बताऊंगा कि आपको मैथ में, रीजनिंग में, जीके में, करंट अफेयर में क्या पढ़ना है एग्जैक्ट, ठीक है। उसके पहले बोल दूं क्लास कब से स्टार्ट होगा, तो क्लास स्टार्ट होगा आपका 29 जून से। ये डेट आप सभी याद रखना, और नीचे में टाइमिंग भी लिख दे रहा हूं क्लास का। मैथ का जो क्लास चलेगा बहुत, वो चलेगा आपका शाम को 6 बजे से। सेम रीजनिंग का जो क्लास है, अब इसमें क्या पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा आप सभी को, रात को 10 बजे से। दो चीज मिला। तीसरा, अब देखो यहां पर एक चीज और है, जीके और जीएस, ये दोनों आपको पढ़ना है शाम को कितने बजे, शाम को 4 बजे, ठीक है, 29 जून से। प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंट अफेयर ऐसे तो आप सभी को सुबह में 4:30 बजे मिलता ही मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब करेंट अफेयर में जो रिवीजन होगा ना, जो रिवीजन होगा वो रात को 11:30 बजे क्लास चलता है। अब यहां पर एक चीज अच्छे समझना, एक एक चीज को समझा रहा हूं। देखो, ऐसा नहीं है कि आप मैथ में कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते मतलब आप ये भी नहीं जानते 2+2 क्या होता है, इतना तो पता है अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है, और कुछ शिफ्ट के एग्जाम जो हुए थे आपने रिव्यू भी देखा होगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो एक चीज आपने पाया होगा कि रिसेंट में जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी सीजीएल का मान लो, सीपीओ का मान लो, या 19 में जो एग्जाम हुआ था सीएचएसएल का वो मान लो, जो भी रिसेंट में लास्ट 2 साल में जो भी एग्जाम हुआ है एसएससी का, उससे जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा उसी बेस के ऊपर। और आपने पेपर देखा होगा, सिर्फ सीएचएसएल की बात नहीं कर रहा हूं, जब सीजीएल का पेपर भी हुआ था प्री का, तो उस दिन भी मैंने बोला था मैथ का एक एक क्वेश्चन अगर आप लास्ट 2 साल के एसएससी के पेपर को सॉल्व किए हैं, एलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, अर्थमेटिक हो, कोई भी चैप्टर हो, अगर लास्ट का 2 साल का पेपर को अच्छे से सॉल्व किए जो एसएससी ने एग्जाम करवाया है, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आ रही होगी। तो जो ये 50 दिन का क्लास चलेगा ना, मैथ में आपको 500 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। 500 क्वेश्चन वो कौन सा? वो क्वेश्चन जो बार बार एसएससी पूछ रहा है अंतिम 2 वर्ष में। और यहां पर करना क्या, आपको डेली क्लास में अपने आप को जज करना है कि हम लोग कर कितने पा रहे एग्जाम से पहले। तैयारी करना पड़ेगा आप सभी को। रीजनिंग में मुझे नहीं लगता किसी को भी रत्ती भर का भी प्रॉब्लम है, जितना चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है, फिर भी लास्ट में 2 साल में जितने भी पेपर रीजनिंग का आया है वो तो छोड़ दो, आने वाले 5 साल के लिए रीजनिंग करवा दूंगा, तो इसका भी मान कर चलो आपको 500 क्वेश्चन में कराऊंगा। और यहां पर अपने आपको जज करना है, यहां पर सीखना नहीं है, जज करना है कि आप कितने आंसर सही दे पा रहे एग्जाम से ठीक पहले, जो एसएससी आप सभी से पूछेगा, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एसएससी आप सभी से पूछ रहा है हाल फिलहाल के एग्जाम में, और मौका एक ही है, इसी मौका को पूरा करना है, भुनाना है। ऐसा नहीं है कि अभी बहुत सारा एग्जाम है, रेलवे का बाकी है, बैंक का बाकी, ऐसा नहीं, फिर तो जिंदगी कट जाएगा। एक बात याद रखना, आप मर जाओगी ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से 4 दिन इंसान रोएगा, आपको क्या लगता है आपके मरने के बाद दुनिया रुक जाएगी, सब आपके बारे में सोच, आप बहुत बड़े स्टार नहीं है, या हम या कोई भी,
बड़े बड़े स्टार को लोग भूल जा रहे मरने के बाद, तो हम लोग तो कुछ नहीं है। तो आपको बस यही सोचना है भाई, जल्दी से नौकरी लेना है, इस मौके का फायदा उठाना है, जो भी समय हमारे पास है उसका यूटिलाइज बहुत अच्छे से करना है, ताकि नौकरी जल्दी से लगे और अपनी लाइफ को सेटल कर पाए और हमारे परिवार में जो भी हमारे ऊपर डिपेंड है उनको वो खुशी दे पाए। ठीक है, तो इस बार बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन का नोट्स बनाइएगा। मैथ और रीजनिंग मुझे नहीं लगता किसी को भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आएगा। अगर ये 500 क्वेश्चन का सेट आप सभी ने कर लिया तो, मैंने पहले भी बताया था, एलजेब्रा का जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है आप उठा कर देख लो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हाल फिलहाल में एसएससी नहीं पूछा है। मैथ का कोई सा भी टॉपिक आपके पास अभी भी पेपर होगा, लाखों वीडियो होगा यूट्यूब के ऊपर रिव्यू का, देख लेना, हर एक क्वेश्चन 2 साल में एसएससी एक या दो बार पूछा है, तो वो क्वेश्चन कराऊंगा, इसका नोट्स आप जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं करंट अफेयर का, ये मैं बोल दे रहा हूं आपको, कम से कम मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक का पढ़कर जाना है भाई, और मैं रिवीजन अभी करवा रहा हूं और मैंने इतना तक बोल दिया हूं, करेंट अफेयर में ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है जीके और जीएस वाले पोर्शन में, तो करेंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ना नहीं है, रिवीजन करना है। और रिवीजन करने का मतलब ये नहीं होता है कि क्वेश्चन आ रहा है और आंसर पढ़ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है आंसर पढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं। रिवीजन का मतलब यह है आप सभी का कि आप क्वेश्चन तो कर ही रहे हो, साथ में अगर किसी देश के प्रधानमंत्री का नाम, राष्ट्रपति का नाम, वहां का मुद्रा, वहां का राजधानी पूछ रहा है तो आपको यहीं पर कंप्लीट करना है। अगर राज्यपाल पूछ रहा है, मुख्यमंत्री पूछ रहा है, राजधानी पूछ रहा है तो यहीं पर कवर करना है। अगर आप सभी से पूछ रहा है किसी संस्थान, यानी कि जैसे आप मान लो WHO, UNDP या वर्ल्ड बैंक, उसके संस्थापक कौन है, या फिर अगर आपसे पूछता है उसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उसका गठन कब हुआ है, तो वो सब चीज भी आपको यहीं पर पढ़ना है। अगर बैंक का टैगलाइन पूछे, बैंक का हेडक्वार्टर पूछे, बैंक का मुख्यालय कहां पर, चेयरमैन कौन है वो पूछे, तो वो सब भी आपको यहीं पर पढ़ना है। ये नहीं कि अलग से जाकर आप रिवीजन करोगे इस टॉपिक। इसलिए मैं बोलता हूं अगर 10 दिन का भी करेंट अफेयर अगर आप रिवीजन वाला क्लास देख लिए ना, आप बोलेंगे कि भैया जो स्टैटिक जीके है ना, जो अलग से क्वेश्चन में आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, वो तो मेरा यहीं पर कवर हो जा रहा है और याद नहीं करना पड़ रहा है, वो ऑटोमेटिक याद हो जा रहा है। तो अभी फरवरी का कुछ दिन का करंट बाकी है, तो याद रखना फरवरी लेकर चल रहा हूं, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये मैं आपको यहीं पर कवर करा दूंगा। सुबह 4:30 वाला 10 मिनट का करंट अफेयर तो आप सभी देख ही रहे होंगे। अब बात आता है जीके और जीएस, ये मैं लास्ट 2 साल की बात नहीं करूंगा, लास्ट 5 साल से 6 साल का मानकर चलो, जीके और जीएस का जितना भी क्वेश्चन आया है, जितना भी तो नहीं बोल सकते, जो बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसको बोलते हैं, बहुत बार आपने सुना होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, जो बार बार एग्जामिनर अलग अलग एग्जाम में पूछ रहा है, जिस क्वेश्चन का महत्व तो बहुत ज्यादा है, बार बार आता है, उसी को बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1500 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो बार बार एग्जाम में आप सभी से पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये क्लास आपको शाम को 4 बजे मिलेगा। अब बात करते हैं, बहुत जान के दिमाग में आएगा भैया इंग्लिश के लिए क्या करें, इंग्लिश के लिए भैया क्या करें, मैंने एक बार नहीं बहुत बार बोला है आप डेली एक आर्टिकल पढ़ो। आपके पास पेपर है तो पेपर में पढ़िए, इंग्लिश पेपर में, या फिर अगर आपके पास हिंदू का एप्लीकेशन है तो वहां से बिजनेस आर्टिकल डेली पढ़ सकते हैं। अगर आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको चीज समझ में आएगा, मैं बार बार बहुत स्पष्ट रूप से बोलता हूं और बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट के द्वारा बोला गया है कि भैया बहुत सही बोले थे, बहुत बहुत काम आता है।
अगर आपको एक कहानी सुनाई जाए हिंदी में और उस हिंदी के कहानी से अगर कुछ पूछा जाए तो आप फटाक कर आंसर बोल दोगे, लेकिन इंग्लिश में अगर कहानी सुनाए और पूछे तो आप बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा क्या पूछने। डर क्यों है? डर इसलिए है क्योंकि जो वो कहानी है ना वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बीच बीच में एक एक वर्ड जो है वो समझ के परे। इसीलिए मैं बोलता हूं डेली एक आर्टिकल आप सभी पढ़ो मेरे भाई बहन, डेली एक आर्टिकल आप सभी पढ़िए और जो भी उसका हार्ड वर्ड है उसका मीनिंग देखकर पूरे आर्टिकल को समझो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 2 घंटा इसके पीछे लगाओ, हाँ, लेकिन 30 मिनट ऐसे पढ़ो कि आप देखो अगर आप आज पढ़ोगे ना तो अब मैं यही नहीं बोलूंगा पहले दिन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फर्स्ट दिन कितना समझ में आएगा? अरे 5% ही कहानी समझ में आया ना, कोई बात नहीं। अगला दिन, दूसरा दिन, मैं गारंटी बोल सकता हूं यार 30 दिन के बाद ना आप बोलेंगे भैया ये जो आदत, ये जो लत लगा था ना, अब मुझे कोई भी इंग्लिश का कहानी 70-80% समझ में आने लगा है, ये आप बोलोगे। एक काम आप सभी के लिए मैं और कर सकता हूं, ये जो बिजनेस आर्टिकल है ना, ये जो आपको खोजने में प्रॉब्लम होगी तो मैं अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप में डेली एक बिजनेस आर्टिकल डाल दूंगा, पर डे डाल दूंगा। टेलीग्राम पर आप कैसे जुड़ सकते हैं? अगर फोन में टेलीग्राम है तो सर्च मारिएगा आप सभी सक्सेस की 98, ठीक, वो ग्रुप मिल जाएगा आपको, वहां पर आप सभी को ज्वाइन हो जाना है। मैं ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो आपको मेनली क्या करना है ये मैं क्या बता रहा हूं कि आप दोबारा से तैयारी स्टार्ट करो बचपन से, ऐसा नहीं बता रहा हूं, नॉर्मल बता रहा हूं। आपको एग्जाम देने से पहले ये 500 क्वेश्चन, ये 1500 क्वेश्चन लग तो बहुत बड़ा रहा है, लेकिन अगर डेली आधा घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2.5 घंटा अगर डेली देते हैं ना, 24 घंटा में 2.5 घंटा बहुत सफिशियंट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं भैया सारा दिन पढ़ते हैं एग्जाम नहीं निकल रहा है, अरे आप अभी क्या करो 2.5 घंटा बस पढ़ो, नोट्स बनाओ मान लो 1/2 घंटा, ठीक 3 घंटा हो गया। अब अलग से क्या करना है मैं एक बात और बोल दे रहा हूं, देखो इतना तो आपको करना ही करना है। अगर आपके पास मॉक टेस्ट है, क्या बोलते हैं मॉक टेस्ट या स्पीड टेस्ट बोलते हैं ऑनलाइन, ये भाई देना, बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के द्वारा बोला गया है भैया रामबाण है, पढ़ाई के साथ साथ हमें बहुत ऊपर लेकर जाता है एग्जाम में, अगर ये हम आदत लग जाए तो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बस मेरा वाला दीजिए सक्सेस की 98 का डाउनलोड कर मेरा दीजिए, नहीं, अगर आपके पास किसी और का भी है ना आप वो भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरा ही देना है, मैं पूरे स्पष्ट कर दे रहा हूं, जरूरी नहीं है कि मेरा ही देना है मॉक टेस्ट, आपको जिसका मन करे जिसका आपके पास है सब अच्छे हैं वो दो। अगर आपको मेरा लेना है तो आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, सक्सेस की 98 के नाम से एप्लीकेशन होगा, ठीक है, वो डाउनलोड करने के बाद आप एसएससी का कम से कम 30-40 मॉक टेस्ट है आप डेली एक लगाना और जज करना आप कितने सही कितने गलती कर पा रहे हैं, गलती कहां पर हो रहा है, अपना डेली एनालाइज करना, उस चीज को रिव्यू करना गलती कहां पर गिर रहे हैं, पहला टेस्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, और आप ये अजमा लेना आप पहले टेस्ट में जितना स्कोर कर रहे हैं ना, मान लीजिए आपके 50 क्वेश्चन सही हुए हैं तो मैं गारंटी कोर्ट के पेपर पर साइन कर बोल सकता हूं पहले में अगर 50 क्वेश्चन सही हो रहा है और वो एग्जाम देने के बाद अगर आप पेपर को अच्छे से एनालाइज किए, रिव्यू किए, अपने गलती को ढूंढे और आहिस्ता आहिस्ता अगर काम करना स्टार्ट किए तो 30 मॉक टेस्ट के बाद आप बोलेंगे भैया जहां मेरा 50 सही हो रहा था अभी 70-72 सही कर पा रहे हैं, ये गारंटी है, अजमाया हुआ है बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा, ठीक। और एक बात, बहुत जन चिल्लाएंगे पहले कि भैया वहां पर 349 लग रहा है बाय करने के लिए, यानी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए, कुछ ही मॉक टेस्ट फ्री है,
सारा मॉक टेस्ट फ्री नहीं है भैया 30-40, उसके लिए तो हमें खरीदना पड़ेगा। अब देखो ये भी नहीं बोल सकते कि यार फ्री में बना दिए हैं आप लोग को दे रहे हैं। मैं ये बोल सकता हूं अगर वहां पर 349 वाला पैकेज लेंगे ना तो एक साल तक आने वाले जो भी एग्जाम है, मेंस एग्जाम हो, प्री एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, हर एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको एक साल तक दिया जाएगा मात्र 349 में, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, डिट्टो एग्जाम के पैटर्न पर बनाया गया है। अब मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, जरूरी नहीं है कि आपको मेरा लेना, आप किसी और का भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूं आपको करना कैसे, लेकिन तैयारी भाई ये 500 क्वेश्चन ये आपको कर जाना है एग्जाम से पहले, वरना बोलेंगे एग्जाम देने के बाद अरे भैया का वीडियो पहले देख लेते हैं ना, वहीं से सारा क्वेश्चन तो आ रहा है। सबसे पहले आपको अपने फोन में ओपन करना है प्ले स्टोर और टाइप करना है SuccessKey98। देखो SuccessKey98 जैसे ही ओपन करेंगे यहां पर देख रहे हैं ये वाला आपको ओपन कर लेना है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपसे क्या पूछेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे पूछेगा रजिस्टर होने के लिए एप्लीकेशन के ऊपर, तो अपना फ़ोन नंबर ईमेल आईडी देकर रजिस्टर हो जाइएगा। उसके बाद रजिस्टर जैसे ही हो जाएंगे ये चीज़ आपके पास खुल जाएगा, देख रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रेलवे, इंश्योरेंस का एग्ज़ाम, एसएससी और बैंकिंग के सारे एग्ज़ाम, सबका सारा एग्ज़ाम आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप एसएससी वाले पर क्लिक करेंगे आपके सामने दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6, आप हर एग्जाम देना, जरूरी नहीं है कि आप CHSL का एग्जाम दे रहे हैं तो वही एग्जाम देना है, हर एग्जाम देना। अगर मैं CHSL वाले को ओपन करूं तो यहां पर अभी दिखाई दे रहा आप सभी को बाय नाउ, तो बाय करना पड़ेगा, लेकिन बाय नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ऊपर वाले में क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है कि सारे टेस्ट पर लॉक लगा हुआ है बस एक को छोड़कर। आप पहले ये देखकर देख लो कैसा है कैसा नहीं है, तो एक बार क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक किए बोल रहा है टेक टेस्ट, स्टार्ट किया, टेस्ट जो है वो ओपन हो गया, ठीक है। अब आप बोलेंगे भैया ये इंग्लिश में आ रहा है हिंदी में नहीं आ रहा है, तो एक बार ऊपर वाला यहाँ पर देख लो जिस पर ए लिखा हुआ है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये क्वेश्चन हिंदी में हो जाएगा सेम, और ऊपर टाइमर भी चल रहा है 1 घंटा का जो एग्ज़ाम है। इस तरह हर एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। कितना टोटल टेस्ट है, 9 टेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा, इसमें ओपन करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 25 टेस्ट तो आपका यहीं पर है। प्लस आप CPO का भी टेस्ट दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, लेकिन कब, वो जब तब आप एक बार में पैकेज ये 349 वाला पैकेज बाई करेंगे तब। अगर 349 वाला पैकेज इस पर क्लिक करेंगे तो आप बाई करेंगे तब आपको एक साल का वैलिडिटी मिलेगा, यानी आने वाले एक साल तक हर एक एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट जो दे सकते हैं। अगर रेलवे पे क्लिक करूं देखो रेलवे के सारे एग्ज़ाम और जो जो आएगा सब ऐड कर दिया जाएगा, यहाँ पर बैंक के सारे एग्ज़ाम, इंश्योरेंस के सारे एग्ज़ाम, जो जो एग्ज़ाम आएगा वो ऐड कर दिया जाएगा।